नमस्कार, आपका स्वागत है। पंच दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए खरीदारी करना धनतेरस के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदश भी कहा जाता है। इस दिन कुछ न कुछ नया खरीद कर घर में लाने की मान्यता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। धारदार जैसे चाकू, कैंची। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ होता है, इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच की चीजें खरीदने से बचना चाहिए। कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर दें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। लोहा न खरीदें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आपको लोहे से बना कुछ सामान खरीदना है तो एक दिन पहले ही खरीद कर रख ले। काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदने से बचना चाहिए और ना ही काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पाद जैसे रिफाइंड इत्यादि लाने से मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल या घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है। चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी से बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि आसानी से टूट जाती हैं, ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं होती है। नकली आभूषण। मात्र औपचारिकता या फिर पैसों की कमी के चलते कई लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है, इससे दरिद्रता का वास होता है। स्टील या एल्यूमिनियम की चीज़ें। स्टील या एल्यूमिनियम से जुड़ी चीज़ों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्यूमिनियम या स्टील का संबंध भी सीधा राहु से माना गया है। राहु से जुड़ी चीज़ें घर में दरिद्रता लेकर आती है और इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।